पश्चिमी यूपी में कमल खिलाने पहुंचे अमित शाह, राजनाथ ने संभाली गाजियाबाद की कमान। दक्षिण भारत के राज्यों के साथ कोरोना के हालात पर आज बैठक करेंगे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री। कांग्रेस की महिला प्रत्याशी ने पार्टी को दिया झटका, जिलाध्यक्ष पर आरोप लगा, चुनाव लड़ने से किया इनकार। यूपी चुनाव 2022 में बसपा ने मैनपुरी की चारों सीटों पर घोषित किए प्रत्याशी, अखिलेश के सामने इस नेता को उतारा। मणिपुर में आश्रम मॉडल पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, 5 पार्टियों के साथ किया गठबंधन। कोविड-19 प्रोटोकॉल के साथ सांसद का बजट सत्र, अलग अलग समय पर होंगी दोनों सदनों की बैठक। आज बरेली के इन इलाकों में घर घर जाकर प्रचार करेंगे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, शहर में ही रुकेंगे रात। बसपा को बड़ा झटका, दिग्गज नेता समेत दर्जनों कार्यकर्ताओं ने ज्वाइन की भाजपा, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव ने दिलाई सदस्यता। बसपा ने उठाया था मुद्दा और सपा डाल रही थी डोरे पर कांग्रेस ने मारी बाजी, कल्याणपुर से चुनाव लड़ सकती है गायत्री। राजनाथ सिंह ने कहा, चौधरी चरण सिंह मेरे गुरु हैं, जाट हमसे नाराज नहीं हो सकते। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।